ईश्वर की प्राप्ति के लिए संन्यास जरूरी है या गृहस्थ भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है? बड़ा प्रासंगिक सवाल है, वर्तमान में इसकी बड़ी नितांत आवश्यकता है। ईश्वर साधना की वस्तु है, गृहस्थ या विरक्त का यहाँ प्रश्न उठता है। ईश्वरीय सत्ता जो है वह मनसा वाचा कर्मण ये तीन के सम्मिश्रण का स्वरूप। पहले तो ये जान ले, ये जो निकलने वाला स्वर है पहला ईश्वरीय है। हम वाणी को संयमित करें, शुद्ध करें, पवित्र करें, उसके बाद हमारे कर्म जो हैं वह ईश्वरत्व की ओर जाएं। हम महात्मा होना यानी आत्मा से महात्मा और फिर परमात्मा की ओर अग्रसर होने की जो प्रक्रिया है, अहम ब्रह्मास्मि सोहम अस्मि तत्त्वम अस्मि, ये जो प्रक्रिया है वह जो है हमारे इन प्रयासों के द्वारा होगा। हमको ही ईश्वरत्व में परिवर्तित होना है। ईश्वर कोई बाहर से नहीं आएगा, जो भी तत्व हैं उनका चिंतन। इसलिए शायद परमात्मा कहता है कि अहम सर्वभूतेषु निवासिता, मैं सभी भूतों में निवास करता हूँ, सभी के हृदय में हूँ। आवश्यकता है उसके प्रगटीकरण की। तो जब तक हमारा वाणी शुद्ध नहीं होगी, आचार व्यवहार हमारे शुद्ध नहीं होंगे, तब तक चाहे आप गृहस्थ में रहें, चाहे विरक्त में रहें या कहीं भी रहें, ईश्वरत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। महाराज, अगर आपकी बात करें तो संन्यास की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई और कब से संन्यास ग्रहण किया? देखिए, एक बात, संन्यास लिया नहीं जाता, संन्यास दिया भी नहीं जाता। प्रश्न है संन्यास है क्या। संन्यास एक घटना है जो घट जाती है। संन्यास जीवन के चरम सत्य को जानने की एक प्रक्रिया है, एक संकल्पना है, जो पता नहीं किन किन जन्मों के पूर्ण प्रताप से सहले सहले नामाणिक्य मौक्तिकम ना गजे गजे साधो सर्वत्र नहीं चंदनम ना बने बने। हम इस अगर सूत्र को लेकर चलें तो संत सहज नहीं है, संन्यास सहज नहीं है। ये पता नहीं पूर्व जन्मों के प्रारब्ध को अपना अपना प्रारब्ध भोगने जीव जगत में आता है, खाने को दाने दाने पर नाम दिखाकर लाता है। तो अगर संन्यास की जो प्रक्रिया है ये पूर्व जन्मों की संचित पुण्य का एक रिफ्लेक्शन है। ये जन्म से होता है, जन्म जाते हम सोचते नहीं, हम विचार नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे माहौल बनते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं उसका जो है कारण बनती है कि संन्यास एक प्रक्रिया में जो है परिवर्तित हो जाता है और हम फिर जो है उस आवरण में जीने लग जाते हैं। एक 17-18 साल के बच्चे को क्या क्या घटना हुई, अनुरक्ति ही विरक्ति में परिवर्तित होती है। जब आकर्षण हम देखते हैं कि हमारी अवचेतना में कहीं ना कहीं उस परम पिता परमेश्वर का अंश, वह कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी फीड थी। जैसे बच्चा जन्म लेता है, रोता है, पीड़ित होता है, जब थोड़ा सा 2-4 महीने का हो जाता है तब स्वतः हंसता है, खेलता है, मुस्कुराता है, कभी रोने लग जाता है, कभी हाथ पैर से फाइटिंग करता है। तो यह प्रक्रियाएं उसका वाद संचालन ये किसके साथ चल रहा है? निश्चित तौर से कोई सत्ता है। तो वो सत्ता की जो दर्शन या उसका जो संभाषण अबोध तत्व के रूप में, अबोधत्व के रूप में चलता रहा है, वह जब कहीं संग्रहित रह जाता है, डिलीट होने से बच जाता है, वह फिर रह जाता है, तो वो संन्यास ले लेता है। क्योंकि वो रस, वो आनंद, वो देखता है कि जैसे जैसे चिप जो है वीक होती जाती है तो उसमें जो जो भी मेमोरी में फीड किया हुआ है वह डिलीट होने लग जाता है या वीक होने लग जाता है। और अगर उसको लगता है नहीं, अगर ये वीक हो गया तो मुझे नहीं मिलेगा, ये रेयर है, मेरा रेयर कलेक्शन है, और उस कलेक्शन को सजोने के लिए ही ये संन्यास की प्रक्रिया, ये घटना घट जाती है। आप हाथ में परश धारण करते हैं जी, हाँ, बहुत सारी मालाएं हैं, अंगूठियां हैं, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, प्रत्येक वस्तु परमात्मा ने जो भी बनाई है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कलयुग में दो वस्तुएं हैं कि शस्त्र और शास्त्र हमें लेकर के चलना होगा, चाहे हम सन्यासी हो या गृहस्थ हो। सन्यासी
यानी संत को, विरक्त को शस्त्र और शास्त्र की इसलिए आवश्यकता है कि दंड देने का अधिकार गुरु को होता है, क्योंकि इसलिए हमारी बहुत प्राचीन परंपरा दंडी स्वामी की, दंड धारणी किया जाता है, दंड दिया लिया जाता है। अंकुश जीवन में बहुत आवश्यक है। फिर जब कहीं शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है, सामने वाला शास्त्र को समझने वाला है तो निश्चित तौर से हम उसके शास्त्र के माध्यम से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर सठ सामने हो तो सठे साठम समाचरित की भाषा ही समझेगा। अगर भैंस के आगे बीना बजाओगे तो भैंस तो अपना बैठी पगुराती रहेगी, उसे तुम्हारे संगीत की लय ध्वनियों से कोई मतलब नहीं है। किसी मूर्ख, किसी गुंडे, किसी बदमाश, किसी राक्षसी वृत्ति के व्यक्तित्व से अगर आपका संपर्क हो जाए, पाला हो जाए, सामना हो जाए, तो शास्त्र की परिभाषा नहीं समझता है। हमारा कोई भी सनातन धर्मी देवी देवता ऐसा नहीं है जिसके हाथ में शस्त्र ना हो। जिन देवी देवताओं के दृष्टि बदलने मात्र से सृष्टि बदल सकती है, जिनके वाणी से बोल देने मात्र से लोग खाक हो सकते हैं, भस्म हो सकते हैं, उन्हें अस्त्र की क्या आवश्यकता है। लेकिन मंत्र कल्याणार्थ होते हैं, तंत्र कल्याणार्थ होते हैं, विनाशार्थ तमाम हमारे शस्त्र है। तो जहाँ शास्त्र की, अगर धर्म रक्षा करनी है, यदि समाज रक्षा करनी है, यदि संस्कृतियों की रक्षा करनी है, संस्कारों की रक्षा करनी है, तो उच्छृंखल हो गए, गुरुओं से विमुख हो गए, और आज तो अत्यंत विकृत मानसिकता के वातावरण में हम लोग जी रहे हैं, तो शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता हमें पड़ती है। इसलिए हम शस्त्र और शास्त्र दोनों धारण करते हैं। हम अपने परमपिता परमेश्वर के नियमों का ही, शास्त्रों का ही अनुसरण कर रहे हैं। जहाँ तक माला और अंगूठियों का सवाल है, श्रृंगार अत्यंत आवश्यक है जीवन में, क्योंकि सौंदर्य होगा तभी आकर्षण होगा, और जहाँ आकर्षण होगा निश्चित तौर से वही गुरुत्वाकर्षण होगा। हम परमात्मा की प्रतिमा को इसलिए सजाते हैं, इसलिए श्रृंगारित करते हैं कि भक्तों का मन रमे, और अगर रम जाता है तो निश्चित तौर से वो दोषण बैठेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, भजन करेगा, तो ठीक इसी प्रकार से अपने जगतपति परमपिता परमेश्वर को पति कहा गया है। संसार का पति परमेश्वर है। संत जो होते हैं वो भक्त होते हैं, और भक्ति जो है स्त्री रूपा है, तो अपने उस जगत पति को रिझाने के लिए वो श्रृंगार करते हैं। दूसरी बात, अब जैसे रुद्राक्ष है, इसकी अपनी जो वेब से निकलने वाली, इसमें से जो एनर्जी निकलती है, उसका वाणी भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। कोरल है, यानी मूंगा है, मोती है, शंख है, सीप है, या विभिन्न जो है प्राणियों के दांत हैं, उनकी अस्थियां हैं, तो इनसे क्या तत्व है इसमें, इनसे निकलने वाली कौन सी ऐसी एनर्जी है जो हमारी एनर्जी को पॉजिटिव ना होने दे, निगेटिव ना होने दे और हमारे को पॉजिटिव बनाए रखे, जिससे हम, हमारा विल पावर हाई हो, और हम उस परमात्मा की भजन में, लोगों के कल्याण में, लोगों की भलाई में और अधिक से अधिक अपनी शक्ति को बढ़ाते जाएं। तो ये एनर्जी के केंद्र हैं, क्योंकि सारे मिनरल्स होते हैं, स्टोन्स भी सारे मिनरल्स हैं, उनमें जो बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है वो हमारे ब्रेन को कंट्रोलिंग अथॉरिटी देता है। तो इसलिए संत अपना श्रृंगार करते हैं कि एक तो आकर्षण, चाहे वह परमात्मा का हो चाहे गृहस्थ का हो, दोनों का बना रहता है, और जहाँ आकर्षण होगा गुरुत्वाकर्षण वही होगा, चुंबकीय तत्व वही होगा, चिपकना भी वही होगा।